प्यारे दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग एजुकेशन का 6वां जन्म दिवस मना रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 19 जनवरी 2008 को अकाउंटिंग एजुकेशन का जन्म हुआ। आज 19 जनवरी 2014 है तथा 6 साल बीत गए अकाउंटिंग एजुकेशन के जन्म को। तथा जब मैंने अकाउंटिंग एजुकेशन नाम की संस्था का शुभारंभ किया था, तो मैंने एक सपना देखा था कि अकाउंटिंग एजुकेशन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तथा चाहे वह अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वह फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वह कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तथा मुझे यह पूरा विश्वास था कि अकाउंटिंग एजुकेशन आपको सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाएगी तथा एक दिन आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। तथा आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि अकाउंटिंग एजुकेशन ने एक ऐसी क्षमता प्राप्त कर ली है जिससे वह आप सब लोगों को ऑनलाइन पे फ्री एजुकेशन, चाहे वह अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, की देने में सफल हो सके। तथा इस खुशी और इस क्षमता का आधार मैं आपको मानता हूं, क्योंकि आप पिछले 6 सालों से लगातार अकाउंटिंग एजुकेशन को स्टडी कर रहे हो, उससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तथा यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि मैं इसे आगे चलाऊं। तथा सबसे जो खुशी की बात यह है कि समय समय पे आप मुझे इसको इम्प्रूव करने के लिए सुझाव भी देते रहे, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। आज इस खुशी के मौके पर मुझे अकाउंटिंग एजुकेशन के साथ बिताए हुए एक एक पल को याद, मतलब कि मैं कह रहा हूँ एक एक पल को। तथा जब हमने अकाउंटिंग एजुकेशन में नए टूल्स को लागू किया था, तथा जैसे स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग गाइड है, इसको हमने उसमें शामिल किया, तो विद्यार्थियों को काफी इससे बेनिफिट हुआ। अकाउंटिंग एजुकेशन ना सिर्फ अकाउंटिंग से संबंधित जो स्टूडेंट उसके लिए बेनिफिट है, बल्कि सभी आम जनता के लिए जो अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं, चाहे वह कॉमर्स से रिलेटेड है, चाहे वह कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है। तथा हमने इस एजुकेशन को सपोर्ट देने के लिए विभिन्न ऋषि मुनियों तथा विद्वानों का सहयोग लिया, तथा उन सबका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तथा आज मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं, यदि आपने भी कोई जिंदगी में लक्ष्य रखा है, चाहे वह सोशल है, चाहे वह बिजनेस है, यदि आप उसमें जी जान से जुड़ जाओगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यह एक मौलिक सिद्धांत है। तथा हमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैं अकाउंटिंग एजुकेशन में भी ध्यान रखा उसका। पहली बात कि हमने दिन प्रतिदिन अपने ज्ञान की वृद्धि करनी है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान इंक्रीज होगा, हम दूसरे को कुछ शेयर्स कर सकते हैं, तथा इससे हम अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं। दूसरी बात कि हमने समय समय पे मौलिक मूल्यों को भी जानना है, उसको भी अपने जिंदगी में अप्लाई करना है। तथा अंत में मैं यही आशा रखूंगा कि अकाउंटिंग एजुकेशन भविष्य में भी इन 2 सिद्धांतों के ऊपर चलेगी। पहला यह है, अकाउंटिंग एजुकेशन का जो ज्ञान है वो आपको समय समय पे देती रहेगी, ताकि आप अपने व्यापार में सफल हो सको। दूसरा, समय समय पे आपको मोटिवेशन तथा मॉरल जो मूल्य हैं वो भी बताती रहेगी। तथा मुझे आशा है कि अकाउंटिंग एजुकेशन को जो भी स्टडी करेगा उसके लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।